बिग बॉस के घर में रुबीना को ज्योतिका ने बताया कि आखिर क्यों लोग उन्हें कहते हैं कि आप डोमिनेटिंग हैं और आप जो बात करती हैं वो रूट साउंड होती है। तो ज्योतिका इसी बात को लेकर रुबीना को समझाती हुई नजर आई। क्या कहा है ज्योतिका ने, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। तो ज्योतिका घर के अंदर गई तो उन्होंने रुबीना से कहा कि रुबीना मैं तुझे एक बात कहूंगी कि अभी आज सुबह, दरअसल क्या हुआ, सुबह भी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसको लेकर ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, जिस पर ज्योतिका ने कहा कि रुबीना देखो आज सुबह भी किचन एरिया में बिंदु जी और आप सब बातचीत कर रहे थे, आपने अपनी बात बोल दी, उसके बाद जब वो सामने वाला बोल रहा था तब आप 2 मिनट चुप हो जाते और उनकी बात सुनते, तो उससे सामने वाले को क्या लगेगा कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और मेरा भी सुन लिया। आपका क्या है कि आप बोल देते हो और हमें पता है कि आप, तो रुबीना कहती है कि मेरी ऐसी इंटेंशन थोड़ी ना होती है। तो ज्योतिका कहती है दीदी हम समझते हैं क्योंकि हम आपके साथ पले बड़े हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं वो ये बात नहीं समझते और वो ये चाहते हैं कि आप अपनी बात पूरी करने के बाद हमारी बात भी सुनो, तो आपने उनकी बात थोड़ी देर के लिए सुन लेनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, पॉज ले लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लोगों को नहीं लगेगा कि आप रूड हो, डोमिनेटिंग हो और उनकी बात नहीं सुनते, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो और उसके बाद सामने वाले का भी सुन लो। जिस पर रुबीना ने कहा कि ठीक है अगर तू कहती है तो मैं ऐसा करके देखूंगी लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं होता, जिस पर ज्योतिका कहती है ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आपके मन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो लगता इसलिए है क्योंकि ऐसा सीक्वेंस बन जाता है कि आपने बोला, सामने वाला बोल रहा है तो आप दोबारा बात करने लगते हो, तो आप उसकी बात सुन लो पहले, उसके बाद बोलो ना, जवाब दो लेकिन उसकी बात तो सुन लो। तो रुबीना ने कहा कि ठीक है मैं ऐसा करके देखती हूँ। तो एक बात तो तय है कि ज्योतिका भले ही छोटी हो लेकिन जो बाहर से देख कर गई उसी फीडबैक को वो दे रही है, क्योंकि उसको भी नहीं पसंद कि उसकी बहन को बार बार डोमिनेटिंग कहा जाए।